हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत ही न्यूट्रिशियस छोले कैसे बनेंगे कम तेल में और बहुत ही स्वादिष्ट भी बनेंगे। तो सबसे पहले तो कम से कम 4 घंटे आपको इनको, जो छोले हैं सफ़ेद चने कहते हैं कुछ लोग इनको, तो इसको आपको भिगाना है। और थोड़ा सा इसमें मैंने, जैसे एक मुट्ठी मैंने 5 मुट्ठी ये लिए हैं छोले, और उसमें 1 मुट्ठी चने की दाल डाली है जिससे उसकी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है। ओके, तो मैंने इसको ओवरनाइट सोक करके रखा था और ये अच्छे से पानी पी चुके हैं और अब ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन छोलों को कुकर में डालना है और साथ ही उसके ये बे लीफ डालेंगे कुकर के अंदर सीटी लगाते टाइम, और ये 2 मोटी इलायची, और इसी में थोड़ा नमक आप ऐड करके इसको कम से कम 5 से 6 सीटियां ज़रूर लगवाइए ताकि ये अच्छे से गल जाएं छोले। और अब जब आप इसमें इसको कुकर में डाल दिया है आपने, तो उसके बाद आपको पानी ऐड करना है। अब पानी इसमें थोड़ा सा, मतलब मेरा जो अंदाज़ा रहता है वो ये रहता है, छोले के लेवल से थोड़ा सा ऊंचा पानी डालिए, कि मैं बहुत ज़्यादा पानी वाला पसंद नहीं करती। तो ये हो गए। अब इसमें नमक ऐड करिए और थोड़ा सा लगभग 1/2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल ऐड करिए आप, वो सिर्फ इसलिए ताकि, मुझे एक प्रॉब्लम आती थी कि जो कुकर है जब सीटी लगती है तो उससे बाहर आता है ये सब, जब सीटी लगती जाती है तो मटेरियल और पानी के साथ और वो पूरी गैस को और फ्लेम पे आता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए बिल्कुल मिनिमलिस्टिक आप इसमें रिफाइंड ऑयल ऐड करिए और इसको 6 से 7 सीटियों के लिए छोड़ दीजिए। अब मेरे चनों को सीटी लग चुकी है, और क्योंकि मैंने थोड़ा सा 1/2 टीस्पून ऑयल डाला था, तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कहीं कोई रेसिड्यू नहीं है और आपकी गैस वगैरह कुछ गंदी नहीं होगी। और एक छोटा सा पॉइंट मैं भूल गई थी आपको बताना, इज़ दैट जब मैं सीटी लगवा रही थी चनों को, तो मैंने थोड़ी सी एक चुटकी हींग भी डाली थी, क्योंकि चने भारी होते हैं और किसी किसी को ये नहीं उतने सूट करते, तो इससे थोड़ा सा अगर आप हींग डाल देंगे तो आपका, मतलब उसको डाइजेस्ट करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसके चौक के लिए जो आपको प्रेपरेशन करनी है, उसमें ये है फाइनली चॉप्ड अनियन, मेरे उतने अच्छे से हुए नहीं है, बट आप और इसको बारीक बिल्कुल फाइनली चॉप कर सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ पर लहसुन 7 to 8 लहसुन के टुकड़े और एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, और 2 टमाटर की मैंने प्यूरी बना ली है। और एक फ्राइंग पैन में मैंने, क्योंकि मैं बहुत ही मिनिमलिस्टिक ऑयल यूज़ करना चाहती हूँ, तो मैंने बिल्कुल उसके बेस, आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बेस में, मतलब इतना कि बस कुछ चिपके ना इस पैन पे, बाकी ज़्यादा तेल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करा है। अब जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें मैं सबसे पहले डालूंगी थोड़ी सी क्यूमिन सीड्स, जीरा, और जीरा चटकने के बाद मुझे इसमें डालने हैं अनियन। अब जब ब्राउन, ये प्याज हल्के से आपको दिखने लगे कि ब्राउन होने से पहले पहले जैसे ट्रांसपेरेंट से हो जाते हैं, तब आपको अदरक और लहसुन का ये पेस्ट डालना है इसमें। अब ये, क्योंकि मेरे प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं इसमें टमाटो की प्यूरी डाल रही हूँ, और अब मुझे इसको कम से कम तब तक चलाना है, तब तक जब तक कि ये थोड़ा सा तेल नहीं छोड़ने लगे। हालांकि तेल बहुत कम है, बट फिर भी कुछ ना कुछ तो ज़रूर, ये जब अच्छे से ये हो जाएगा, पक जाएगा तो तेल छोड़ेगा, तो मुझे इसको तब तक फ्लेम पे रखना है। अब ये मसाला जो पकने लगा है, टमाटर प्याज लहसुन अदरक का, तो इसमें अब हम और मसाले डाल सकते हैं, मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर जैसी आपकी मिर्ची है, अगर बहुत मेरी जैसे बहुत तीखी है तो मैंने 1/2 ही डाला है, थोड़ी सी हल्दी,
सारे खड़े मसालों वाला मेरी मम्मी का मैजिक मसाला। एक चम्मच, आधा चम्मच अमचूर, और इसमें मैं थोड़ा सा दालचीनी पाउडर, मतलब एक्चुअली मैंने दालचीनी का पाउडर बना के रखा हुआ है, क्योंकि अभी इस समय ये सारे खड़े मसाले हमारे हेल्थ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कंसिडरिंग कि वायरस इतना फैला हुआ है, तो हम ये जो हमारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं स्पाइसेस की, उनका हमें ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। अब इस मसाले को आप अच्छे से पका लीजिए और इसको अपने कुकर में ऐड करके कम से कम 2 सीटी लगवा लीजिए। ये इनमें मैंने मसाला ऐड कर दिया है और 2 बड़ी हरी मिर्ची को स्लिट डाल के इसमें डाल दिया है, और अब मैं इसको बंद कर रही हूँ फॉर सम टाइम, जिससे कि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें। अल्टीमेटली दिस इज़ हाउ माई छोले लुक्ड। इट टेस्ट्स डिलिशियस येट बहुत हेल्दी है, इसमें ज़्यादा तेल बिल्कुल भी नहीं है, तो आप भी इंजॉय कर सकते हैं रेसिपी। इफ़ यू वॉन्ट टू कुक हेल्दी, यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक द रेसिपी। थैंक यू।